कोलकाता कांड पर ममता सरकार का नया पैंतरा। अब ममता ने भी अपनाया केजरीवाल वाला तरीका। भड़के अजीत भारती ने ममता सरकार को उधेड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जिस पश्चिम बंगाल की सत्ता पिछले कई सालों से ममता बनर्जी जैसी एक महिला नेता संभाल रही हैं, उसी पश्चिम बंगाल में लगता है अब महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। चुनावी हिंसा तो पश्चिम बंगाल में जैसे आम बात हो गई है, और अब तो महिलाओं के लिए भी लगता है कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि सबसे पहले संदेश खाली में महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, और अब कोलकाता कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक सरकारी अस्पताल में लड़की के साथ दरिंदगी की गई और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। ये बात तो तय है कि अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो उसका ठीकरा सबसे पहले सत्ता संभालने वाली सरकार पर फूटता है, क्योंकि सूबे की कानून व्यवस्था संभालने का काम राज्य सरकार का ही होता है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगता है अलग ही रास्ते पर चल रही है। जिस सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वही सरकार अब बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जिसका ऐलान खुद सीएम ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को राजधानी कोलकाता में किया और कहा कि 17 अगस्त को अपराधी को सजा देने की मांग को लेकर सभी प्रखंडों में विरोध मार्च निकाला जाएगा। 18 अगस्त को सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन होगा और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। कोलकाता कांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया तो पत्रकार अजीत भारती इस कदर भड़क गए कि ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि ये लोग जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। केजरीवाल ने इस मॉडल का आरंभ किया था कि अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ जाओ, अब कल यह बताया जाएगा कि ये होती है संवेदनशीलता। क्या योगी हाथरस केस के बाद कभी विरोध पर बैठे? ममता समझती हैं एक महिला का दर्द और ऐतिहासिक है कि वो अपनी ही पुलिस के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल खुद सत्ता संभालना और खुद के ही राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ये जो सियासी पैंतरा है, इसकी शुरुआत दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने की थी। जब सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाने से ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की वजह से चर्चा में रहते थे, और अब कुछ ही इसी तरीके का पैंतरा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अपना रही हैं, और पीड़िता के दोषियों को 18 अगस्त तक सजा न मिलने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जबकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि किसी भी मामले में दोषी को सजा दिलाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन इसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई को 18 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी है, क्योंकि खुद सीएम ममता ने कोलकाता पुलिस को डेडलाइन दी थी कि 18 अगस्त तक अगर इस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो यह मामला सीबीआई को सौंप देंगी। लेकिन हाईकोर्ट ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही कोलकाता कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद से सीएम ममता बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही बिहार के लोगों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। खास करके अपराधी जो बलात्कारी अपराधी हैं, उसको संशोधन करके एक संविधान में एक नया कानून बनाना चाहिए। उसको कानून जो है रखे नहीं, जेल नहीं दे, फांसी का सजा नहीं, उसको पब्लिक के हवाले कर दे। पब्लिक उसको सजा देगी अपने तरीके से, तभी इस देश से डर जब बनेगा ना, तब लोग किसी का बलात्कार करने सोचेंगे कि बलात्कार करेगा, प्रशासन पकड़ के पब्लिक। अभी क्या होता है, पब्लिक पकड़ के प्रशासन को देता है ना, लंबा केस चलता है, किसी किसी को बेल भी मिल जाता है, कोई रिहा भी हो जाता है, लेकिन प्रशासन पकड़ के पब्लिक को दे देगा तो रिहा नहीं होगा, वो आज़ाद हो जाएगा जिंदगी से आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे जिस तरह का मानसिकता जो रखते हैं, बलात्कार का जो मानसिकता रखते हैं, अब बलात्कार किए तो किए और उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दिए, तो वैसे ही उसको सजा मिलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, पब्लिक के हवाले कर दिए। 2 मिनट में पब्लिक सजा दे देगी उसको, 2 मिनट में उसको समझा देगी कि बलात्कार का अंजाम क्या होता है। सबसे घिनौना अपराध अगर देश में माना जाता है तो बलात्कार का माना जाता है। अरे तुम्हारी भी माँ बहन रोड पर निकलती होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारी भी कल के बीवी होगी, अगर घटना तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो सोचो तुम्हारे पर क्या बीतेगा। जो जिस डॉक्टर का बलात्कार हुआ है उसके घर में क्या बीता होगा, उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने, उसके भाई ने, उसके परिवार वाले ने कितना पैसा उसके पास खर्च किया होगा उसको पढ़ाई लिखाई में, एक डॉक्टर बनाने में, और तुम 2 मिनट में उसका जिंदगी ले लिए, दो जिंदगी ले लिए, एक बलात्कार करके उसका जो इज्जत था वो ले लिए, उसके बाद उसको जान मार के उसका जिंदगी ले लिए। अरे वैसे अपराधी को तो पब्लिक के हवाले कर दे, पब्लिक 2 मिनट में डिसीजन दे देगी अपना, वैसा खौफ बनाना पड़ेगा, तब अपराध करने से 10 मत सोचेगा कि हम नहीं, किसी लड़की की तरफ गलत निगाह भी नहीं उठाएगा, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। कभी क्या है ना, बहुत सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं,
ठीक है, और गाना निकला है जितने भी अपराधी है ना, ये गाना जो निकला इतने अपराधी है उसका मनोबल बढ़ा दिया है। गाना निकला है के कोई सिंगर गाए हैं, कल जेल होगा, परसों बेल होगा, अब फिर वही खेल होगा। ये जितने भी अपराधी है ना इसका मनोबल बढ़ा दिए हैं। ये एक आदमी हमसे बड़े हैं, इनका कहना कि पब्लिक को सौंप दीजिए वो मार देगा, ठीक है, हिंदुस्तान मार नहीं देगा, सजा दे देगा, सजा दे देगा, ठीक है। संविधान किस लिए बना है भैया, संविधान क्यों बना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसने के लिए संविधान बनाया? आपने जो बोला, बहुत सारा केस ऐसा होता है जो कि निर्दोष भी होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि दो दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये गलत हुआ। अगर जो उसको छोड़ा गया तो गलत हुआ, लेकिन इनका जो ये कहना था कि बाहर पब्लिक को दे दिया जाए, उसे मार दिया जाए पब्लिक के द्वारा, तो ये तो फिर बाकी देश और हिंदुस्तान में क्या फर्क हो गया? इन्होंने की बात की, हमने सजा की बात की, हमने मारने की बात कहीं भी नहीं की। आपका वीडियो ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, हमने सजा देने की बात की। अच्छा, सरकार करने वाले आओ, खास करके बांग्लादेशी बंगाल में ये आम बात है, समझ गए, बंगाल में ममता बनर्जी इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी, कोई भी। वहाँ अधिक लिए कुछ दिन पहले ही आप देख रहे थे, एक महिला और एक पुरुष को खुलेआम बंगाल में सड़क के किनारे उसको मारा जा रहा था बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। आज भी एक सीनियर जूनियर डॉक्टर के साथ में एक बलात्कार के बाद उसको मर्डर कर दिया गया, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी चुप है। इस पर बहुत ज़्यादा आक्रोश होना चाहिए। ये जो का होती है पुलिस के द्वारा ना करके इसको आपको पब्लिक को हवाले कर देना चाहिए। अगर इसका डिसीजन पब्लिक लेगी, नहीं तो देख लीजिए योगी जी इस तरह के अगर गलत काम होते हैं, जैसे रेप हो गया या किसी को परेशान करने का हो गया, योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, उसी प्रकार ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपका कहना सही है, ममता जी को काम करना चाहिए। आप लोग अब वीडियो बनाते हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा नहीं है, एक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है कह सकते हैं। हाँ। कि बंगाल में एक जूनियर लेडीज डॉक्टर का रेप किया जाता है। हाँ। उसके बाद उसको जो है मौत का घाट उतार दिया जाता है। जी मैंने भी देखा है, बताता हूँ मैं। हुआ ये है कि कुछ लोग हैं जो कि वो लेडीज डॉक्टर को उसकी माँ के आज वीडियो वायरल हो रहा है, रोती हुई एक वीडियो वायरल हुआ हो रहा है, जिसमें वो माँ बता रही है कुछ उनके जो कहते हैं ना हड्डी बोलते हैं ना, हड्डी को पानी में जो ना बॉयल कर, वो बता रही है कि लग रहा है कि बॉयल करके वो तोड़ा गया है, चिरा गया, ऐसा स्थिति वहाँ पे हो गया है। बंगाल की गवर्नमेंट है ममता जी, वो क्या कर रही हैं, उनका पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कहती है कि वो हर चीज़ दिखा रहे हैं, हर चीज़ सुना रहे हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। CID को केस देना चाहिए था, अभी CBI तक चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जल्द ही इसका मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने वाला है नहीं। जो स्थिति अभी दिख रही है, सिर्फ वो मोदी जी पर आरोप ही लगाते रही, अपना जो राज्य है वो संभलता नहीं, और आरोप दूसरे पर लगा रहे, अपने यहाँ का डॉक्टर संभलता नहीं। आज पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, पटना में भी IGMS से लेके IGMS से PMCS तक सारे डॉक्टर हड़ताल पर है। आपकी गवर्नमेंट आपसे संभल नहीं रही है क्या? अगर नहीं संभल रही है तो छोड़ दीजिए ना, अकेले पूरा बंगाल में कब्जा करके बैठी है। जैसे लगता है कोई और गवर्नमेंट वहाँ पे जाता है, कोई भी मोदी जी है, कोई भी BJP की सरकार है, अगर चाहती है वहाँ पे कुछ कब्जा जाने के लिए, तो आपकी गवर्नमेंट पुलिस जो है लाठी प्रसाद, जब पुलिस ही ऐसे ऐसे कारनामे करने लगेगी ना, तो देश संभालेगा कौन संभालेगा? नेता लोग संभालेंगे, कौन संभालेगा? जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि एक आदमी का काम है ही नहीं, ये कम से कम 3-4 आदमी का काम है। अकेले वैसे उसे लेडीज डॉक्टर को ऐसा नहीं, कैसा जो स्थिति अभी पाया गया है वैसे हो नहीं सकता था, 2-3 आदमी का काम है। और ममता जी से ये रिक्वेस्ट है, वो भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द डॉक्टर को इंसाफ है, उनकी माँ को दिलाया जाए, वरना अभी तो देश के कुछ ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, कुछ दिन में पूरे के देश के जो मेन डॉक्टर है ना वो भी हड़ताल पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति अगर होगा, स्टूडेंट के जान जाएगा जो डॉक्टर है, तो स्थिति होना जायज है और होना भी चाहिए। चलिए यहाँ पे और भी बातचीत करेंगे, एक मिनट अंकल, बोलिए बोलिए। देखिए बंगाल का घटना से शायद आप सभी रूबरू होंगे, जूनियर डॉक्टर का रेप करके उसको मार दिया गया है, सबका रोज हो रहा है, सब जगह हो रहा, ऐसा तो रोज पूरे भारत में हो रहा। विपक्ष इस पर कुछ बोलता है तो बोलता है कि हो रहा है, विपक्ष तेजस्वी यादव का देखा कुछ बोला है कुछ कि ये घटना हो रहा है, बलात्कारी बिहार में अपना लेके चाहिए, 5 गो के नाम बताया है, भागलपुर में सगरो बताया है, 5 JDU के नेता के बोला है। अब ओकरा पर संजय झा की तो कौन झा बोल रहे हैं कि भाई देखिए अपना माता पिता के बारे में बोलिए ना, उस समय का याद दिला रहे हैं,
अब तो कुछ विपक्ष को भी बोलना तो नहीं है, चाहता है भाई। अच्छा मैं अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे। अच्छा आप कुछ बता रहे हैं। हाँ बोलिए, पूछिएगा। तो ये बंगाल वाले जो घटना हुई है, रेप कांड जो हुआ है, उसके बारे में आप कुछ भी बोल रहे हैं? रेप हुआ है तो सजा होगा, जो किया है वो भोगेगा, और क्या। अच्छा बंगाल में फिर एक अंकल एक मिनट, बंगाल में संदेश खाली जैसी घटना हुई, फिर उसके बाद फिर जो है देखिए जूनियर डॉक्टर का जो है रेप करके मर्डर कर दिया गया। तो वही तो बोल रहे हैं, जो किया है वो जाएगा, कानून है वो जाएगा। अयोध्या में हुआ है वो रुकेगा, अयोध्या में एक घटना हुई है वो सब जाएगा। देखिए रेप बलात्कार हत्या ये सब जो है ना, इसमें किसी को छुटकारा नहीं मिलना।